हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेज बाइट्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। इसके लिए पहले हम डबल बॉयलर का सेटअप लगा लेते हैं। एक पॉट में मैंने लिया है पानी और इससे बड़ा पॉट मैं इसके ऊपर रखूँगा। नीचे वाले पॉट में पानी इतना रखना है कि ऊपर वाला पॉट जो है वो टच ना हो। अब इसे गैस पर लो फ्लेम पर हम रख देते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट को ग्रेट करके लिया है, इसे हम डबल बॉयलर में डाल लेते हैं। जब भी चॉकलेट को मेल्ट करना हो तो उसे डायरेक्ट हीट ना करें, डबल बॉयलर का यूज़ करें या माइक्रोवेव का, अदरवाइज चॉकलेट जल जाएगी। कुछ ही देर में चॉकलेट मेल्ट होने लगी है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ आधा कप मिल्क, इसे ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अब इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज आइसक्रीम में यह एक बिटर टेस्ट देगा। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं आधा कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप मलाई का यूज़ ना करें, इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा चॉकलेट मिक्स रेडी है। अब एक पॉट में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच पानी। ऐसा करने से जब हम मिल्क बेस को बॉईल करेंगे तो वो नीचे चिपकेगा नहीं। अब इसमें लेते हैं आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। से आधा कप मिल्क हम अलग निकाल करके रख लेते हैं। में हम आइसक्रीम बेस को तैयार करेंगे। बचे हुए मिल्क में ऐड करते हैं 1 कप से थोड़ा कम शक्कर। स्पून से लें तो ये 10 टेबल स्पून शुगर है। इसे मिल्क में डाल देते हैं और मिल्क को हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जो हमने मिल्क अलग निकाल के रखा था इसमें ऐड करते हैं 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून GMS पाउडर, 1/4 टीस्पून CMC पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। आइसक्रीम बेस बनाने के लिए मिक्स रेडी है, मिल्क में बॉईल आने लगा है। अब हमने जो मिक्स बना करके रेडी किया था उसे इसमें डाल लेते हैं और लगातार चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। अब हमें कंटिन्यू मिल्क को चलाते रहना है, अदरवाइज ये नीचे चिपक जाएगा। अब मैं ले रही हूँ एक स्पून ताकि आपको बता सकूँ कि हमें मिल्क को कितनी देर बॉईल करना है। ये देखिए, 3 से 4 मिनट चलाने के बाद स्पून पर पीछे की तरफ ऐसी लेयर बनना शुरू हो जाएगी। बस अब हमें इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देनी है। जब बेस गर्म है तभी हम इसमें चॉकलेट मिक्स जो हमने बना करके रखा था उसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और हमें एक होमोजीनियस कंसिस्टेंसी मिले। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें हमने आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है, डार्क चॉकलेट के कारण अपने आप ही इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब आइसक्रीम बेस को हम फिल्टर कर लेते हैं ताकि इसमें अगर कोई लम्स रह गए हैं तो वो भी निकल जाएं। अब एक स्पून लेकर इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। ये देखिए, जितना भी अनडिजॉल्व पार्ट है वो सेपरेट हो गया है। अब छलनी हटा देते हैं। अब इसे 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। 8 घंटे बाद हमें इस तरीके का आइसक्रीम बेस मिलेगा। यह पूरी तरह से सेट हो गया है। अब एक नाइफ लेकर के हम इसमें कट लगा लेते हैं। अब इसे एक बीटर की हेल्प से बीट कर लेते हैं। इसमें हमें 10 मिनट का टाइम लगेगा।
पहले बीटर को हमें स्लो पर रखना है, इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में ही आइसक्रीम का वॉल्यूम बढ़ने लगा है, ये लगभग दोगुनी हो गई है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसमें आ गया है। अब इसमें डालते हैं 10 से 12 बूंदे चॉकलेट एसेंस की, ये आइसक्रीम के फ्लेवर को और एनहेंस करेगा। फिर से कुछ सेकेंड्स के लिए हम आइसक्रीम को बीट कर लेते हैं ताकि एसेंस अच्छे से आइसक्रीम में मिल जाए। अब इसमें डालते हैं कुछ चॉकलेट चिप्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, इससे आइसक्रीम को एक बाइट मिलेगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एयरटाइट कंटेनर में। इसे लिड लगा करके हमें 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। बची हुई आइसक्रीम को मैं दूसरे कंटेनर में पॉर कर रही हूँ और इसे भी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। 12 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। अब एक पॉट में लेते हैं थोड़ा सा पानी और उसमें आइसक्रीम को रख देते हैं ताकि ये अपने साइड्स छोड़ दे। इसे प्लेट में उल्टा रख करके टैप करते हैं, ये देखिए। अब एक स्पैचुला लेकर के हम इसके एजेस को स्मूथ कर लेते हैं। ऊपर से डालते हैं इस पर चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं हो तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। गार्निश करते हैं कुछ चॉकलेट चिप्स के साथ में। लीजिए, तैयार है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। इसे एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।